इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय एक जनसंचार माध्यम भाग दो, जिसमें हम संचार के तत्व पढ़ेंगे। हमने ऊपर पढ़ा संचार किसे कहते हैं, अब संचार के तत्व जान लो क्या क्या होता है। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, बातचीत करना, अपना विचार, अपना अनुभव, अपने बातों को किसी और के सामने साझा करना चाहे व्यक्त करना, यह एक प्रक्रिया है, तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हो। किसी भी प्रक्रिया में बहुत चरण और तत्व हो, जैसे में बहुत अनेकों प्रकार हो सकते हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो भी बोलते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के अनुभव महसूस किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्व हैं, हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे, धीरे धीरे उन सब का चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, एक बोलने वाला एक सुनने वाले के बीच होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया हो सकती है जब स्रोत या संचारक बोलने वाला और सुनने वाला एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो उसे संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। उससे क्या होती है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। फिर से बताऊं, जब श्रोता या संचारक सुनने वाला और बोलने वाला किसी एक उद्देश्य पर अपने विचार, संदेश और भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसे ही संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहते हैं और उसी से संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसा आप स्वयं को श्रोता या संचारक मान लें, अपने स्वयं को बोलने वाला और सुनने वाला मान लेते हैं, ठीक है। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, क्या चाहिए, इतिहास की एक किताब, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा कि हमें एक किताब चाहिए इतिहास का। हम लोग तो स्कूल में थे तो मार्क छीन लेते थे, नहीं तो ए, दो हम भी पढ़ेंगे, तुम घर पर पढ़ लेना, ऐसे हम लोग करते थे, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। ऐसा नहीं किताब नहीं ले जाते थे, कभी कभी छूट जाता था। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप सोचें कि संचार प्रक्रिया शुरू हो गई। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे कि हमें एक तुम्हारा इतिहास का किताब चाहिए। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा ले सकते हैं। किसी भी संदेश को भेजने के लिए आप बातचीत का सहारा ले सकते हैं। अब आता है भाषा। भाषा असल में एक जगह का कूट चिन्ह है या कोड है, मतलब एक संकेतिक, एक ऐसा भाषा जिसके बारे में सब जानते हैं। जैसे में हिंदी में क का मतलब क्या होता है, हर कोई जानता है कि क का मतलब क, कबूतर का मतलब क्या होता है, कबूतर पंछी है, सब समझ लेते हैं। आप अपने संदेश को उस भाषा में कुटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, अपने भाषा में उस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि एक दूसरा समझ जाए, हम समझा रहे हैं वो समझ जाए। इसके लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। ऐसे में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो सामने वाला भी अगर हिंदी में बात करे तो मेरे बातों को समझ सकता है, नहीं तो इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में बात करेगा तो समझ में नहीं आएगा, ना मुझे ना उसे। जिससे आप अपना संदेश भेज रहे हैं उसको भी आपकी भाषा आनी चाहिए। इसके साथ ही संचारक का एनकोडक, संचारक सुनने वाले का एनकोडिंग की प्रक्रिया भी पूरा अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर है कि जो भाषा आप बोल रहे हो उस भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए जिसको आप बोल रहे हो। आप बोल रहे हैं, आपको भाषा पता है, लेकिन जो सुन रहा है उसको भी उस भाषा पर पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी समझेगा, नहीं तो आप बोलोगे अर्थ वो समझ लेगा अनर्थ, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा।
इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होगा, तभी आपके बात को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। अगर हम जो बोल रहे हैं उसको बोल या लिख दोनों सकते हैं, चाहे वो भी लिख बोल सकता है, तभी हम दोनों एक दूसरे का बात समझ सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप हिंदी पढ़ रहे हो, मतलब क्या है? जो भाषा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ आप वो भाषा पहले से जानते हैं, लेकिन आप उसको डिकोड करके अपने भाषा में समझ के उसको समझ लेते हैं। मैंने बोला आज मैं घर जाना चाहता हूँ, आपको लगा कि हाँ सर घर आज जाएंगे, ठीक है, समझ लिया कि आप घर जाएंगे, काम खत्म। हमारे क्लास में जब सर बोलते थे राम आम खाएगा, ठीक है सर, उससे हमको क्या लेना देना, राम आम खाएगा खाएगा, कुछ बात नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो फिर बाद में बोलते थे इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो ट्रांसलेशन तो हमको पढ़ाया नहीं गया था, बताएंगे कहां से। तो हम लोग बोलते थे राम ईटिंग मैंगो, अब भले सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं रहता था उस समय, लेकिन ऐसा बोल देते थे लोग, राम ईटिंग मैंगो। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है, चिट्ठी देने का आता है, पत्र देने का आता है। पत्र में भी पहले अजीब अजीब का डायलॉग लिखा जाता था, अलग बात है वो सब। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व होता है। संदेश मतलब हम अपने विचारों को भरना, लिखना। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना, जिस अर्थ के साथ हम लिखे हैं, जो भावनाओं के साथ हम लिखे हैं, जरूरी है कि उसी भावनाओं के साथ उसके पास पहुंचाना, उसी को संदेश वाहक बोलते हैं, कि अपना संदेश उसके पास गया। आगे है, अब यही संचार का माध्यम है जिसके लिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने देश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। अगर किसी को हम बोल रहे हैं अगर भाषा ही नहीं जानता तो हमारे बातों को नहीं समझ सकता, तो अपने देश के लिए वो पूरा तरीके से समर्पक हो, समर्पित कर देवे कि हाँ भैया हम भी इसी देश के हैं, हम भाषा समझ सकते हैं। आज हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपने मातृभाषा बताएगा सब कोई अपना ही भाषा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में चल जाओ तो बिहार भोजपुरी और हिंदी, बिहार में आ जाओ तो भोजपुरी, बंगाल में जाओ बंगाली मैथिली, और आप महाराष्ट्र में जाओ मराठी हिंदी, ठीक है। आगे चले जाओ आप तमिलनाडु में तो वहां पर तमिल चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, कर्नाटक में कन्नड़ चलता है, तो ऐसे वहां का भाषा सब बदला हुआ है, ज्यादा नहीं बदलता है, थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो जितना आपके देश से, जितना आप दोनों अपने देश से स्पष्ट होंगे उतना ही आप एक दूसरे का भाषा समझ सकते हैं। लेकिन संदेश को किसी माध्यम चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। संदेश को किसी भी माध्यम या चैनल के जरिए किसी दूसरे के पास पहुंचाना पड़ता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द, हमारे ध्वनि तरंगों के जरिए हम जो भी बोल रहे हैं, ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं तो समझता है कि हम बोल क्या रहे हैं। जबकि दृश्य संदेश प्रकाश, जब तक यहाँ पर दिया गया है दृश्य संदेश प्रकाश, मतलब हम किसी के सामने आकर बोल रहे हैं, उस तरंगों के जरिए भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह वायु तरंगे के जरिए भी संदेश भेजते हैं। वायु तरंगे क्या? आज टेलीफोन पे आप बात करते हो, दूसरे घोड़ा के टेलीफोन पर सुनाई देता है, मोबाइल पर सुनाई देता है, कैसे? हवा में तो बात जाता है ना, हवा में जाएगा, हवा में सुनाएगा, बस काम खत्म। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंच जाती है, कहीं भी चिकन बने, कहीं भी पनीर बने, कहीं भी मछली बने, कहीं भी आलू दम बने, कहीं भी पूरी छनाए, आलू पराठा बने, तो आसानी से खुशबू आ जाएगा कि बन क्या रहा है। तो जब एक सुगंध आ सकता है तो हम बात को भी भेज सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने खूब कोशिश किया, एक नन्हा सा छुट्टू सा टेलीफोन बना दिया। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है जिसके वजह से हम
अपना बात दूसरे को समझा सकते हैं। समझो कि कोई फीलिंग्स, अपने भावनाओं को किसी तक पहुंचाना है। समझो किसी लड़की हो गया चाहे लड़का, तो उसके शरीर पर जब हाथ डालोगे तो उसको लगेगा कि वो कौन से भावना के वजह से हमारे पर हाथ रख रहा है। जैसे मैं शरीर पर हाथ पर रख रहे हो तो उसको लगेगा कि हाँ साथ बैठना, साथ बात करना चाहता है। गाल पर रखोगे तो गाल पर रखने के बाद उसको लगता है कि हाँ बंदा रोमांटिक हो रहा है, चाहे कुछ कहने वाला है यहाँ पे। चाहे कोई उदास है तो फिर भी उसके मुंह पर हाथ रखता है, भाई बोल हुआ क्या, हुआ क्या। तो ऐसे भी अगर हाथ कुछ ऐसे जगह पर रखते हो जहां पर सोचने की प्रक्रिया कुछ गलत हो जाती है, वहां पर कुछ आदमी अलग समझ जाता है, गलत समझ लेता है। जब गलत समझ लेता है तो आपके मन के अनुसार है कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हो। इस तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्में इत्यादि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। कोई भी रिपोर्टर टेलीफोन के माध्यम से किसी से बात कर सकता है। हम हैं, हमारे मोबाइल में जिसका भी नंबर सेव है टेलीफोन के माध्यम से बतिया सकते हैं। समाचार पत्र हम पढ़कर संपादकता, मतलब जो प्रति क्या बोलते हैं उसको, पत्रकार है उसके बारे, उसका भाषा हम समझ सकते हैं। रेडियो सुनकर उसका भाषा हम समझ सकते हैं। टेलीविजन देखकर हम समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। इंटरनेट और फिल्म के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें बताया क्या जा रहा है। ये विभिन्न माध्यमों से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम आपको जो भी यहाँ पर बना रहे हैं आपको कैसे पहुंचेगा, टेलीफोन, समाचार पत्र से भी पहुंच सकता है, रेडियो से भी, टेलीविजन से भी, इंटरनेट और फिल्मों से भी पहुंच सकता है। कि हाँ जिस तरह अभी फिजिक्स वाले का सीरीज निकला, वैसे मेरा भी सीरीज निकलेगा कभी ना कभी, तो इससे भी आप टीवी में देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसे पढ़ाया, ऐसा स्ट्रगल किया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ किया जिसके वजह से ये आगे बढ़ पाए। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, प्राप्तकर्ता जो होता है उसको रिसीवर बोलते हैं। मतलब तुरंत हमको अपने आप पकड़ लिया, कैच कर लिया, मेरे को पकड़ लिया है। रिसीवर इंग्लिश शब्द है, प्राप्तकर्ता हिंदी शब्द है। तो प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का, जो संदेश उसको प्राप्त होता है उस संदेश का कुटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है, उसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ का समझने की कोशिश, कि जो संदेश में लिखा गया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है, जिसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों पर संकेतों के अर्थ निकालता है। क्या निकालता है, इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों का अर्थ निकालता है। जाहिर है कि भैया अर्थ निकालेंगे तब ना समझेंगे। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचय होना चाहिए। बोलने वाला, छापने वाला, चाहे समझने वाला, पढ़ने वाला, दोनों को वह भाषा आना चाहिए, तभी एक दूसरे का भाषा समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझेंगे। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वह संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, कोई भी, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था हो सकता है, या विशाल जन समूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है कि हम ये हैं। वह प्रक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं देगा, डायरेक्ट बोल देगा देगा या नहीं देगा, इससे भी आप एक दूसरे का बात समझ जाते हो। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। मतलब कोई सवाल पूछे, चाहे कुछ हम उससे मांग रहे हैं, तुरंत जवाब दिया कि नहीं देंगे या नहीं देंगे, दो रूप में जवाब मिल गया तो उसको फीडबैक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं, कि तुरंत जवाब दिया। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका है। हम किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, उसका वो जवाब दे रहा है, तो वही संचार का प्रमुख क्रिया हो जाता है।
है कि हम किसी से बिना बात किए रह तो सकते नहीं है। अगर हम बात किए और अगला जवाब ना दे तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम बात कर रहे हैं तो अगला भी बात करे, नहीं तो ये अकेले बात करने लायक हो जाएगा। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। फीडबैक की वजह से समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने, बोलने वाले ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है कि नहीं मिला है या नहीं मिला। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेशों में सुधार करता है। ये फीडबैक की वजह से ही संचारक अपने संदेशों में सुधार कर लेता है और इसी तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती है। वास्तविक जीवन में देखा जाए तो इतना आसानी से संचार कर लेना इतना भी आसान नहीं होता है, नहीं होता है। उसमें कई बाधाएं भी आती है। इन बाधाओं को शोर, जिसको क्या बोलते हैं, शोर नोयज बोलते हैं। जैसे मैं आता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड हल्ला गुल्ला, जैसे मैं अभी आपको हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा कि हमारे ऑडियो में कभी कभी औरतों का आवाज आ रहा होगा। हाँ आता है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पर इतनी औरतें बकड़ बकड़ करने वाली होती हैं कि लगता है कि मछली मार्केट चला रही है। अभी भी उन लोगों का शोर चालू है। मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको नहीं सुनाई देगा। भैया स्कूल में पढ़ाऊंगा तो स्कूल में भी वही हाल होता है, पचर 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 लोग करते रहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। हम आपके पास पहुंचा रहे हैं तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं तो हमको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें जो पढ़ाना है उससे मन भटक जा रहा है कभी कभी। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक से लेकर तकनीकी भी हो सकता है, भौतिक शोर तक हो सकता है, तकनीकी हो चाहे भौतिक, दोनों हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी होता है। और आपके पास हम सही से अपने बात को समझा सके, पहुंचा सके, इसके लिए हमें ये शोर हटाना पड़ता है। तो हम नॉइस रिडक्शन से यहाँ के नॉइस काट देते हैं, मतलब जो भी आवाज हमारा होता है उसका नॉइस काट देते हैं, जिसके वजह से इन लोगों का बात भी कट जाता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा बच जाता होगा तो सुन के मजे लो। अब आता है शोर, श्रोता या संचारक की तरफ हो, संदेश की तरफ हो, माध्यम या प्राप्तकर्ता। और फीडबैक के वजह से फिर संचारक को मालूम चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है। संचार के प्रकार क्या हो सकते हैं? संचार एक जटिल प्रक्रिया है। यहां पर भी लिखा गया है कि संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार होते हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। वैसे संचार के विभिन्न रूपों या प्रकार एक दूसरे में ही काफी घुले मिले हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफी मुश्किल हो जाता है। भाषा को देखा जाए तो अलग अलग रूप में देखेंगे तो मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भाषा हम जानते हैं वो भाषा हम समझ सकते हैं। आज हम हिंदुस्तान के 5 भाषा से लेकर 8 भाषा तक समझ सकते हैं और 3 से 4 भाषा 4-5 भाषा तो मैं बोल ही सकता हूं। जैसे कभी आप अपने मित्रों को इशारे से बुलाते हैं, किसी भी मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इशारा मतलब अपने भावनाओं से भावपूर्ण उनको बुलाना, संकेत करके, तो संकेतिक भाषा भी संचार का प्रक्रिया ही है, उसी का आधार है। इसे संकेतिक संचार कहते हैं। अगर किसी को संकेत देकर बुलाए उसे संकेतिक संचार बोलते हैं। जब हम अपने से बड़े को, अपने से किसी भी बड़े को जब प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर हम प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह हम एक साथ मौखिक और अमौखिक संचार भी करते हैं, प्रणाम और उसके वजह से हाथ भी जोड़ते हैं प्रणाम। कोई नमस्ते बोलता है, जय श्री कृष्णा, और भी बहुत प्रकार से लोग बोलते हैं, घनी गंबा,
और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय हर बजरंग बली, ऐसे भी लोग बोलते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं, उस समय भी हम मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस समय। कभी भी हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते करते अपने आंख मुंह इधर उधर कर रहे हैं, तो इसमें मुंह से भी बोल रहे हैं और इशारों से भी बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हमारे साथ हुआ है। और चाहे हम नजर इधर उधर दौड़ाते हैं तो समझ जाता है कि इसका कारण क्या है यहाँ पर आने का। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है। यहाँ पर लिखा है कि हमारे जीवन की बहुत से महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक, मतलब मुंह से बोलने से कहीं ज्यादा हम इशारों से उसको बताना चाहते हैं। पहले लोग प्रणाम बोलकर हाथ जोड़ते थे, आज पैर छूकर भी प्रणाम नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अमौखिक हो गया। जिसे मैं खुशी, दुख, प्रेम, डर, ये चार प्रकार के भावनाएं हैं जिसको हम अमौखिक रूप से करते हैं। खुशी, हम खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकते, प्रेम को भी नहीं कर सकते हैं, ना ही डर को कर सकते हैं। बस हमारा बॉडी डर सकता है, खुश हो सकता है बस। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। कौन सा? याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या आप कर रहे होते हैं? आप क्या करते हैं उस समय? आप कुछ सोच रहे होते हैं, तो जो आप सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं, यह भी एक संचार है। ये सारे प्रकार एक तरीके का संचार व्यवस्था है। इस संचार प्रक्रिया में संचार और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंत व्यक्तित्व, इंट्रापर्सनल, मतलब अपने मन की बात, अंतर व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल संचार कहते हैं, जो अपने मन में ही खत्म कर लेते हैं। जब पूजा करते हैं, इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उस वक्त ध्यान में होता है तो वह भी, अब देखो ध्यान में कुछ भी हो सकता है, वह भी अंत व्यक्तिक संचार का उदाहरण होता है, जिसके वजह से हम मन में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है, मन से होता है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं, सोचते हैं फिर बात करते हैं। अस्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। किसी भी मुद्दे पर सोच विचार करो या विचार मंथन करो, ये सब संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर अंतर व्यक्तिक संचार, मतलब इंटर पर्सनल संचार बोलते हैं। ऊपर था इंट्रा पर्सनल, मतलब अपने में, अपने से, और इंटर पर्सनल मतलब दो व्यक्ति आमने सामने। तो दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं तो उसको इंटर पर्सनल बोलते हैं, और जब लोग मन में बात करते हैं उसको इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है, इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। जब आमने सामने बात करेंगे तो फीडबैक तुरंत मिल जाएगा। अंतर व्यक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर व्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल के शुरुआत हमें कदम कदम पर होता है। हम जब चलते हैं कभी न कभी संचार करते हैं, मन में करें चाहे एक दूसरे से करें, चाहे लोगों से बातचीत करके करें। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल का परख होता है कि आप कितना ज्यादा अंतर व्यक्तिक संचार कर सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा आप एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि आप बताओ कि आपकी क्षमता क्या है।
संचार का तीसरा प्रकार क्या है? संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। समूह संचार मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में अपने बातों को रखना या बताना। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह, आपका क्लास संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुताबिक के जरिए उसके जरिए हल करने के लिए हो सकता है कि हम संचार माध्यम से एक दूसरे की बातों को खत्म भी कर सकते हैं ना। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का एक उदाहरण होता है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहां गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में बातचीत करके किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार। यहाँ पर लिखा गया है संचार का सबसे बढ़िया और आखिरी प्रकार है पूरे जन समूह के सामने बोलना, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब पूरे जन समूह को ले लो। वहां पर जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं, अपने बातों को बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो इसे जन संचार कहते हैं। हम माइक में बोलकर हजारों लोगों से एक बार में बात करते हैं, उसको जनसंचार बोलते हैं। ठीक है, एक बार में बहुत सारे लोग समझ सकते हैं उसके साथ। इनमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है। यांत्रिक माध्यम के जरिए मतलब यंत्र के जरिए, मशीनों के जरिए उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। मशीनों के द्वारा अलग अलग चोंगा और डीजे बांधकर उसको बजाया जाता है, जिसके वजह से हजारों लाखों लोग भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जिसको मिक्सचर बॉक्स बोलते हैं। अगर और भी कारण है, जैसे मैं मसलन अखबार के जरिए भी जनसंचार हो सकता है, रेडियो के जरिए हो सकता है, टीवी, सिनेमा या इंटरव्यू या इंटरनेट के वजह से भी हो सकता है। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों कॉपियां प्रतियां प्रकाशित की जाती है करके विशाल पाठक वर्गों तक पहुंचाई जाती है। एक अखबार को हजारों अखबार, लाखों अखबार बनाकर देश के अलग अलग अखबार पढ़ने वाले लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम अगले भाग में जनसंचार की विशेषताएं। क्या चीज? जनसंचार की विशेषताएं। तब तक आप पढ़ते रहो ऐसे ही, और अगले भाग में जरूर मिलना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी पूछना है आप बेझिझक कॉमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।